हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। आज के दिन जन्मे जातकों को हमारी ओर से उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ बात करेंगे आज आपके दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्णतया जो वर्तमान में गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर है ये। लेकिन इससे पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे आज के पंचांग के विषय में। आइए जानते हैं आज का पंचांग। तो देखिए दिनांक आज 20 महीना मार्च है इंग्लिश का, और सन 2021 यानी कि 20 मार्च 2021 और दिन शनिवार, संवत 2077, हिंदी का महीना है फाल्गुन और पक्ष शुक्ल पक्ष है, तिथि सप्तमी, नक्षत्र रोहिणी और योग प्रीति, करण घर है और आज की राशि है वृषभ। चंद्रमा कर रहे हैं वृषभ राशि में संचार और आज का जो राहु काल है उसका समय है प्रातः 9:33 से लेकर के प्रातः 11:04 तक, और इस राहु काल की समय अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहने वाला है, और आप अगर आज कोई अपना शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस अभिजीत मुहूर्त का जो समय हमने बताया है उसमें कर सकते हैं। तो साथियों ये था आज का पंचांग। अब हम आरंभ करेंगे बताना आपको आपके दैनिक राशिफल के विषय में, और मेष राशि से आरंभ करेंगे। मेष राशि यानी एरीज साइन। तो आइए करते हैं चर्चा आपके दैनिक राशिफल के विषय में। मेष राशि, मुस्कुराएं, क्योंकि यह सभी समस्याओं का सबसे उम्दा एक इलाज है। मुस्कुराना जो होता है वो काफी बीमारियों को दूर करता है, ये भी एक बहुत अच्छा उपचार है बिना पैसे का। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी भी बड़ी मुश्किल से आज निकल सकते हैं। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास आपको आज कराने वाला है। वह आपकी उम्मीदों पर भी खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए भी देख सकेंगे। अपने प्रिय के बिना समय बिताने में आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी। यात्रा और शिक्षा से जुड़े हुए कार्य आपकी जागरूकता में वृद्धि करेंगे। असहजता की वजह से आप वैवाहिक जीवन में खुद को फंसा हुआ अनुभव कर सकते हैं। आपको जरूरत है तो जीवन साथी के साथ आत्मीय बातचीत की, धीरे धीरे ही सही लेकिन जिंदगी अब ट्रैक पर आ रही है इस बात का एहसास आज आपको होने वाला है। उपाय रहेगा आपके लिए आज, किसी जानवर को अकारण कष्ट बिल्कुल ना दें और ना ही कभी जीव हत्या करें। वे शाकाहार को अपनाने से प्रेम संबंधों में आपके आएगी मजबूती। अब हम करेंगे चर्चा वृषभ राशि के विषय में। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि आपकी जो सूझबूझ और समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आज आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। आपके जीवन साथी की लापरवाही संबंधों में थोड़ा सा तनाव पैदा कर सकती है। साथ में अपना कीमती समय बिताना है आपको और मीठी यादों को फिर से ताजा करना है, ताकि पुराने दिनों को फिर से वापस लाया जा सके। समय, कामकाज, पैसा, यारी दोस्ती, नाते रिश्ते सब एक ओर और आपका प्यार एक ओर, दोनों आपस में खोए हुए कुछ ऐसा मिजाज रहेगा आपका आज। मौज मस्ती के लिए घूमना काफी संतोषजनक रहेगा। वैवाहिक जीवन के मोर्चे पर यह दिन वाकई बहुत बढ़िया है। माता पिता को बिना बताए
आज आप उनसे पसंद की कोई डिश घर पर ला सकते हैं, इससे घर में सकारात्मक माहौल बन जाएगा। उपाय क्या रहना चाहिए आपके लिए? अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए और घर में सुख और शांति बनाए रखने के लिए आप करें इस मंत्र का जाप 108 बार। ओम गं गणपताये नमः, ये मंत्र है, इसका उच्चारण करें आप, यही आज का आपके लिए उपाय है। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, दोस्त आपका परिचय किसी खास इंसान से आज कराने वाले हैं आपके दोस्त, जो आपकी सोच पर भी काफी गहरा प्रभाव डालेगा। धन से जुड़ा कोई मसला आज आपका हल हो सकता है और आपको आज धन का लाभ भी हो सकता है। अपने घर के वातावरण में कोई बदलाव करने से पहले आपको सभी की राय जानने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। आपके प्रिय यानी के जीवन साथी का फोन आपका दिन बना देगा आज, और आज के दिन अधिकांश समय खरीदारी और दूसरी गतिविधियों में जा सकता है। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर विशेष ध्यान देंगे। सफलता प्राप्ति के लिए स्वप्न देखना तो बुरी बात नहीं होती, परंतु हमेशा दुआ स्वप्न में खोए रहना आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। हर समय सपने देखना भी हितकर नहीं होता। उपाय क्या करें आज? बेडरूम की दक्षिण दीवार पर 0 वाट का लाल बल्ब जलाएं, इससे आपके परिवार के सुखों में वृद्धि होगी। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, देखिए कठिनाइयों का सामना तो आपको करना पड़ेगा, अभी हिम्मत बिल्कुल ना हारे और इच्छित फल पाने के लिए एक ही सूत्र है, उसको अपनाएं, कड़ी मेहनत, बस कड़ी मेहनत करते रहिए। इन नाकामियों को तरक्की का आधार बनाएं। मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार भी आपके काम आएंगे। आज आपके ऑफिस का कोई सहकर्मी आपकी कीमती वस्तु चुरा सकता है, इसीलिए आज आपको अपना सामान ध्यान से रखने की आवश्यकता है। किसी दूर के रिश्तेदार के यहां से मिली हुई कोई आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी का वातावरण बना सकती है। आज आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता है। आपको याद रखने की जरूरत है कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ बहुत खास करने वाला है। शादीशुदा हैं अगर आप, तो आज आपके बच्चे की कोई शिकायत घर पर आ सकती है, जिससे थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। उपाय क्या करें? देखिए अच्छी आर्थिक स्थिति अगर चाहते हैं अपनी देखना, तो सफेद वस्त्रों का प्रयोग अधिक करें, सफेद वस्त्र ज्यादा पहनें, यही उपाय आपके लिए उपयुक्त है। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, शरीर के किसी अंग में दर्द होने की संभावना दिखाई दे रही है। किसी भी ऐसे कार्य से बचना है जिसमें ज्यादा शारीरिक मेहनत की जरूरत होती है। आप पर्याप्त रूप से आराम करें और अपने शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी आवश्यकता है, उतना आराम दें। जिन व्यापारियों के संबंध विदेशों से हैं, उन्हें आज धन हानि होने की काफी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, इसीलिए आज के दिन थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लें। अपने दिन की योजना सावधानी से तय करें और ऐसे लोगों से बात करें जो आपकी मदद भी कर सकते हैं। अपने दिल की बात जाहिर करके आप खुद को काफी हल्का और रोमांचित महसूस करेंगे। खाली वक्त का सही इस्तेमाल करना आपको सीखना ही होगा, नहीं तो जीवन में आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे। यह दिन आपके जीवन साथी का बेहतरीन पहलू आपको दिखाने वाला है। ठंडा पानी पीना आज आपके स्वास्थ्य को कर सकता है खराब। और उपाय क्या करें आज? उपाय करें चमेली का तेल, सिंदूर, चांदी के वर्क का चोला हनुमान जी को चढ़ाएं, आपके घर में सुख और शांति होगी और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन,
तनाव के चलते हुए बीमारी से दो चार आज होना पड़ सकता है आपको। सुकून महसूस करने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ कुछ समय जरूर बिताएं। आज आपके भाई और बहन आपसे थोड़ी आर्थिक मदद की डिमांड कर सकते हैं और उनकी मदद करके आपकी अपनी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि स्थिति जल्द ही सुधर भी जाएगी। आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है आपका, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेगा। अगर आप अपने प्रिय को पर्याप्त समय ना दें तो वह आपसे नाराज हो सकता है या हो सकती है। अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में लगाएं, लेकिन ऐसे मामलों में पड़ने से बचें जिनसे आपका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। वैवाहिक जीवन में कठिन दौर से गुजरने के बाद आपको अब कुछ राहत का एहसास अवश्य होगा। अपना पसंदीदा संगीत सुनना आपको एक चाय के प्याले से अधिक ताजगी का अनुभव दे सकता है। उपाय क्या करें? उपाय करें, सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके स्वास्थ्य में होगा सुधार। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, जल्दी ही बीमारी से उबरने की संभावना है और जिन लोगों ने कहीं निवेश किया हुआ था आज के दिन आपको आर्थिक हानि होने की भी संभावना बन रही है। दोस्त, शाम के लिए कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका दिन खुशनुमा कर सकते हैं। किसी दिलचस्प इंसान से मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। दूसरों की राय को बहुत ध्यान से सुने अगर आप आज वाकई अपना फायदा चाहते हैं तो। वैवाहिक के दृष्टिकोण से आज आपको कुछ अनोखा उपहार भी मिल सकता है। अपने साथी के लिए कोई बेहतरीन पकवान बनाना आपके फीके पड़े रिश्तों में गर्मजोशी भी भर सकता है। उपाय क्या करें? अपने बड़े भाई के विचारों का सम्मान करें एवं उनकी बात मानने से आपकी आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, देखिए आपकी सेहत के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता आप ना करें। निश्चिंतता बीमारी की सबसे बड़ी दवा होती है। आपका सही रवैया गलत रवैये को हराने में कामयाब जरूर होगा। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम रहेंगे। कोई चिट्ठी या ईमेल पूरे परिवार के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आएगी। आज आप जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव महसूस करेंगे। ज्यादा चिंता बिल्कुल ना करें, हर चीज समय के साथ बदलती है और इसीलिए आपकी रोमांटिक जिंदगी में भी बदलाव आएगा। आज मौसम का मिजाज कुछ ऐसा रहेगा कि आप बिस्तर से उठने को राजी नहीं होंगे। बिस्तर से उठने के बाद आपको एहसास ये होगा कि आप अपना कीमती समय बर्बाद कर चुके हैं। आपके वैवाहिक जीवन से सारा मजा खोसा गया है ऐसा मालूम होता है। अपने जीवन साथी से बातें करें और कुछ मस्ती भरी योजना भी बनाएं। घर का कोई सदस्य आज आपके खिलाफ बातें करेगा जिससे आपकी भावनाएं भी आहत होंगी। उपाय कौन सा करें? आज भगवान शिव जी की करें पूजा, सारे काम होंगे आपके सिद्ध। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस साइन, आपका विनम्र स्वभाव आज काफी सराहा जाएगा। कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं। आज आपको अपनी संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की भी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इसी से आपको काफी खुशी भी होगी और आज काम तनाव भरा और थकाऊ तो रहने वाला है, लेकिन दोस्तों का साथ आपको खुशमिजाज और जिंदा दिल बना के रखेगा। आज आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता होगा। कुछ लोगों के लिए आकस्मिक यात्रा दौड़ भाग भरी और तनावपूर्ण रहने वाली है। थोड़ी सी कोशिश करें तो यह दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक हो सकता है। आज आप अपने देश से जुड़ी कुछ जानकारियों को जानकर काफी चकित हो सकते हैं। उपाय क्या करें? आज उपाय करें, जीव सेवा सर्वोत्तम सेवा होती है, इसीलिए आज किसी कोढ़ी
या गूंगे बहरे व्यक्ति की आप मदद करें, उन्हें भोजन कराएं या उन्हें वस्त्र दान करें। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। आज मकर राशि यानी के कैप्रिकॉर्न साइन, मौज मस्ती की यात्राएं और सामाजिक मेलजोल आपको रखेंगे आज खुश और देंगे सुकून। घर की जरूरतों को देखते हुए आज आप अपने जीवन साथी के साथ कोई ऐसा कीमती सामान भी खरीद सकते हैं जिससे आर्थिक हालात भी थोड़े से आपके तंग हो सकते हैं। घरेलू कामकाज आपको ज्यादातर वक्त व्यस्त रखने वाले हैं। अटके कार्यों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर आज छाया रहने वाला है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम रहेंगे। खाली वक्त में आज कुछ रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आज की शाम वाकई कुछ खास रहेगी। गजब का दिन है। फिल्म, पार्टी और दोस्तों के साथ घूमना और फिरना जैसी जो आमोद प्रमोद की चीजें हैं यही आज दिखाई दे रही हैं आपके जीवन में। उपाय, क्या उपाय करें आज? आर्थिक स्थिति अगर चाहते हैं करना अच्छी और मजबूत तो लहसुन व प्याज की गांठ बहते जल में प्रवाह करें। कुंभ राशि यानी के एक्वेरियस, शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान एवं योग करना काफी उपयोगी है। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की भी पूरी संभावना दिखाई देती है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत खुश नहीं होते हैं। चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों ना किया हो या कुछ भी क्यों ना करें, रोमांस को झटका लगेगा आज आपके, और आपके कीमती तोहफे भी आज जादू चलाने में सफल नहीं होंगे। कोई रोचक मैगजीन या फिर उपन्यास पढ़ के आज के दिन को आप अच्छी तरह से व्यतीत कर पाएंगे। आपको अपने जीवन साथी का सख्त और थोड़ा रूखा पहलू देखने को मिल सकता है जिसके चलते आप एहसास महसूस करेंगे। कारोबारियों की रुकी हुई योजनाओं को फिर से चालू करने के लिए आज का जो दिन है ये, इसके विषय में आपको थोड़ा सोचना होगा। उपाय क्या करें? पार्टनर से प्रेम संबंधों को अच्छा रखने के लिए गुरु या पिता को गुलाबी रंग के वस्त्र भेंट कर सकते हैं। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन, देखिए जल्दी ही बीमारी से उभरने की संभावना दिखाई तो दे रही है। अचानक आए खर्चे आर्थिक बोझ थोड़ा सा आपके सर पर बढ़ा सकते हैं। अपने बच्चों के लिए योजना बनाने के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा है। आपके प्रेम की राह एक खूबसूरत मोड़ ले सकती है आज, और आज आपको पता चलेगा कि फिजाओं में जब प्यार घुलता है तो कैसा महसूस होता है। आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या फिर उनमें फंसकर आप स्वयं को परेशान कर सकते हैं। चुनाव आपको करना है। एक बढ़िया जीवन साथी के साथ जीवन वाकई अद्भुत लगता है, और आज आप इस बात का अनुभव भी कर सकते हैं। स्वयं के लिए अच्छा समय निकालना बढ़िया रहेगा। आपको इसकी सख्त जरूरत भी है। यदि आप अपने मित्रों को इसमें सहभागी बनाएं तो आनंद आपका दुगना हो सकता है। आज का उपाय क्या करें? आज का उपाय करें, चांदी का एक टुकड़ा लें या चांदी का सिक्का लें और जेब में उसको रखने से धन में होगी आपके वृद्धि। तो ये था मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों तक का दैनिक राशिफल दिनांक 20 मार्च 2021 का। तो साथियों, अब समय आ गया है कि हम अपनी वाणी को विराम दें और अपने सभी श्रोतागणों से लें इजाजत। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।